दे दे खींच के कान पर। ना सुनिए, नाम बताइए सर अपना। सुनिए सुनिए, हमारे बीच में जो महापुरुष खड़े हैं, श्रीमान श्री ललन कुमार यादव जी मुखिया साहेब, ये हमारे राम बालक पहलवान के भतीजा हैं। इनके घर में भी पहलवान है, जानते हैं कि पहलवान का कदर क्या होता है। ललन भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बिहारी के हाथ और राजस्थानी के हाथ मिलवा रहे हैं, लेकिन एक बार अपने चाचा के भी हाथ जरूर मिलवाइएगा। एक बार हमारे बिहार के नोनीमल के तेतरिया के पहलवान, हमारे राम बालक पहलवान के नाम पर ताली बजाएंगे। अरे राम बालक जी, सुनिए सुनिए सुनिए, लखन यादव जी का कहना है कि हम अपने चाचा को और उनके प्रतिद्वंदी पहलवान को और आपको उसी समय दूंगा, इसके बाद हम चाचा के कुश्ती देखना चाहते हैं। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। जोगिंदर जी आप भी तैयार हो जाइए, बैठ जाइए, पर्चे कराइए, पर्चे कराइए, पहलवानों के पर्चे कराइए। रंग सावला बदन नकीला सफेद कलर की जर्मिया में ये है काला चीता पहलवान राजस्थान रेतीली भूमि। उन्हीं के सवाल के जवाब में ये हमारे अकिंदर बोलते थे कि चुन चुन के ऐसा पहलवान लाना पूरे क्षेत्र में तहलका होता है। ये रंग गोरा बदन छरहरा ब्लू कलर के जानिया माथे पर चंदन टीका लगा चुके, ये बिहार के जान, बिहार के शान, बिहार के करमभूमि, बक्सर बिहार के अमित दास पहलवान, अयोध्या उत्तर प्रदेश श्रीराम जन्मभूमि में रह के जोर करते हैं, पहलवानी करते हैं बाबा जी के नाम पर। आप लोगों के भरोसे नहीं छोड़ेंगे, समय रहेगा 10 मिनट बीच में, बीच में 10 मिनट का समय, कोई आदमी बीच में नहीं आएगा। टक्कर के ही था ये कुछ हो देखा दूंगा का फर्क भैया बक्सर बिहार की ओर से बड़ी लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे। हम जानते हैं,
دادا گھچ کے دو اپ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ راجستھان میں فاؤل کر رہا ہے ہمارا بہار فاؤل کرے گا تو کوئی دقت نہیں ہے نا دادا بہاری بھائی ہمارا گھچ کے دادا گھچ کے کان پر اس طرح سے کھیل بیٹھا ہے